फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। अभी हम रुके हुए हैं कारगिल में, जो कारगिल वॉर हुआ था उसके अंदर। वो कल शाम को इधर आए और हमने आते ही हमें रूम मिल गया था शाम को। और रूम का ऐसा है कि वो गाड़ी वाला बोल रहा था कि आपको रूम वहाँ मिलेगा नहीं, ऑनलाइन बुक कर लो ये वो। ऑनलाइन हमने रूम चेक किए तो वो हमें पड़ रहे थे 8,000-10,000 के। काफ़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति बता दी उसने कि पहले बुक कराएं कि वहाँ जाके देखें। तो हमने कहा भी चलो वहीं देखेंगे। आते ही हमें एक बंदा मिला तो उसने हमें रूम दिखाया। रूम काफ़ी पसंद आया हमें और इतना सस्ता रूम था कि हमें छः लोगों के लिए 3 रूम 3200 रुपये में दे दिए उसने। हाँ, थोड़ा बार्गेन करना पड़ा। और जो बंदा हमें लिख रहा था उसका खुद ने ही होटल ले रखा है, रेंटेड है वो, तो बंदा भी अच्छा है। अभी नीचे जाएंगे तो उसका भी उससे भी बात करेंगे। हमें काफ़ी अच्छा लगा। और एक चीज़ होती है कि अपन नॉर्मली बोलते हैं कि लेह लद्दाख घूम के आएंगे, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ आपका। लद्दाख के अंदर 2 जगह हैं, एक तो है कारगिल, एक है लेह। लद्दाख कोई स्पेशल जगह नहीं है कि हम लद्दाख जा रहे हैं, है ना। तो ये आपका कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए। जैसे मैं नहीं आया था तो कश्मीर में सोचा कोई वो अलग जगह है, लेकिन कश्मीर के अंदर श्रीनगर है घूमने लायक, जहाँ पर डल लेक वगैरह है। और देखो हमारे भाई यहाँ पर खराटे भर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जो आपने एक शेर शाह मूवी आई थी उसका वो सीन बता रहे हैं इधर हमारे होटल के जस्ट नीचे, जहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा क्या था वो एक्टर, उन्होंने एक चाय वाय पीने का सीन है वो यहाँ होटल के नीचे का ही बता रहा है। वो क्लिप तो मैंने देखी नहीं, वो अगर है तो बताना कि भाई है ऐसा, क्योंकि मैंने अभी तक वो शेर शाह मूवी नहीं देखी, अब जाके देखूँगा मैं। तो खाने का ऐसा रहा कि उसके अंदर कुछ हमारे साथी हैं वो प्योर वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, तो वेज नॉन वेज दोनों पैक करवाया था। अच्छा 6 लोगों के लिए तो काफ़ी खाना बच गया था, उसका हमें पड़ा था 1,000 रुपये 6 लोगों के खाने के लिए, उसमें 8 लोग खा सकते हैं इतना खाना था। तो कारगिल जो है एक धारणा बना रखी है कि रूम नहीं मिलेगा, काफ़ी रश होता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हाँ ऑनलाइन आपको चेक करोगे आपकी होटल बुकिंग वगैरह तो उसमें बहुत कम होटल्स दिखाएंगे, जबकि यहाँ पर आप आएंगे, आने के बाद में आप घूमिए थोड़ा इधर उधर, और कोई बड़ी जगह नहीं है कि आपको मार्केट में काफ़ी घूमना पड़ेगा, छोटी सी जगह है, इसमें होटल्स खूब हैं, आपको आसानी से 1,000-1,200-1,500-2,000 रुपये में आराम से रूम मिल जाएगा। तो जब भी आएँ कारगिल का ये टेंशन बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें रूम नहीं मिलेगा, ऑनलाइन बुक करवाएं। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि जितने होटल्स हैं उन्होंने सब ने अपना वो उसमें नहीं टाई अप कर रखा ओयो वगैरह से, तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा खाने का मैंने बता दिया आपको। तीसरा कारगिल में, प्रॉपर कारगिल में घूमने के लिए कुछ भी नहीं है। इधर 5 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर है और अब यहाँ से भी नहा धो के तैयार हो के हम निकलेंगे ले के लिए। वो जो गाड़ी हमें श्रीनगर से यहाँ तक लाई थी 21,000 रुपये में, 21 था 22 था ऐसा कुछ था, वही रात को यहाँ छोड़ दिया हमें। और फिर यहाँ से अभी ले के लिए निकलेंगे। तो पहले तो मैं थोड़ा वो दिखा देता हूँ आपको कि कौन सा बताया मैंने।
रूम काफी अच्छे दे दिए उसने, ये ब्लैंकेट वगैरह, इतनी ठंड है नहीं अभी यहाँ। तो ये मैं आपको शीशा खोल के दिखाता हूँ, तो ये जस्ट सामने आप देखेंगे वो बताया है कि यहाँ पर उसका चाय पीने का सीन था। और इसमें आगे एक वो छोटा सा ब्रिज है, उसका भी बता रहे हैं कि इसी गली के अंदर वो जो शूट हुआ था कारगिल का, वो इसी गली में हुआ था। तो अभी नीचे जाऊंगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे लिए कोई सजेशन हो आपके पास तो वो आप कमेंट में डालिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। ये हैं हमारे जो होटल लिया था, वो काफ़ी इनका फ्रेंडली एटीट्यूड था और काफ़ी अच्छा इन्होंने रिस्पॉन्स दिया हमें। और आप सोचते हो कि कारगिल में आके आपको होटल नहीं मिलेगा, ऑनलाइन कम मिलेगा, आप डायरेक्ट आइए, कारगिल में काफ़ी होटल हैं। और इनकी होटल की ख़ास बात ये है कि इसकी होटल के सामने जो चाय की दुकान है, वहाँ इस गली में पूरी में शेरशाह की काफ़ी शूटिंग हुई हुई है। और जब भी आप आएँ तो इनका होटल ज़रूर विजिट करें। अभी नामकरण हुआ नहीं है इनके होटल का, नाम नाम है सर, होटल न्यू लद्दाख, होटल न्यू लद्दाख के नाम से है। और अभी थर्ड फ्लोर का काम चल रहा है, और काफ़ी अच्छा बंदा है, हमें हर चीज़ में हेल्प किया। रात को भी कुछ चीज़ मार्केट से मंगवानी थी तो ये अपना खुद का व्हीकल लेके गए थे। और बाकी का आप अपनी होटल के बारे में कस्टमर को क्या कहना चाहते हो? बाकी कस्टमर को ये कहना चाहता हूँ सर, बाकी नॉर्मल प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। बाकी रूम भी आपको फर्स्ट क्लास है, हमारा सर्विस भी बढ़िया है वो तो आपको। हम भी कह रहे हैं। हाँ, बाकी पार्किंग वार्किंग का दिक्कत भी नहीं है आपको। बाकी फेमस गली में है होटल शेरशाह, जहाँ पे शूटिंग हुआ था उसी गली में है सर। ओके सर। और आसपास में क्या मतलब होटल में रुके तो 2-4 घंटे का टाइम हो हाँ, तो कहाँ कहाँ घूम सकते अगर हैं? आपको कश्मीर से, अगर सोनमार्ग से आपको थोड़ा जल्दी इधर कारगिल में पहुँचा, तो आपको आगे 7.5 किलोमीटर पे बॉर्डर है, आपको बॉर्डर घूम सकते हो। आप बॉर्डर से थोड़ा 100 मीटर आगे जाएंगे, उसमें म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम भी आप देख सकते हो। बाकी आगे मुलबेग मोनेस्ट्री है सर, और अगर इधर से 60 किलोमीटर जाएगा आर्यन वैली है सर, जिनका मतलब शक्ल थोड़ा आर्यन अच्छा अच्छा एलियन होता है ना सर, वही सही हो। हाँ, बाकी मुलबेग मोनेस्ट्री है सर। बाकी आपको लेह जाते समय मिल जाएगा सर आपको नमकीला टॉप, और ये फोतला टॉप, और मुंडलेन लमयूरू, प्रताप साहब गुरुद्वारा, और मैग्नेटी के लिए सब रास्ते में मिल जाएगा। अगर आपको जंस्कार वैली घूमना है तो रास्ता मतलब अलग से रूट पे जाना पड़ेगा आपको इधर से। कारगिल से हाँ, कारगिल से 245 किलोमीटर है सर इधर से कारगिल से, लेकिन उधर व्यू ज़बरदस्त है सर जंस्कार से। आपको जंस्कार से शिंकुला पास से आप मनाली भी जा सकते हैं सर, लेकिन उतना रोड वो ख़राब है सर, थोड़ा मतलब रोड अभी ठीक नहीं किया है सर, रोड सही नहीं है सर। बाकी आपको लेह घूमो, पेंगोंग, नुब्रा वैली, सुमोरीरी, आपको 3 एडियट जहाँ पे शूटिंग हुआ था, पेंगोंग लेक में बहुत फेमस जगह है सर, आप बहुत घूम सकते हो, खारदोंगला, ये सब सर। बाकी आप लद्दाख टूर ट्रिप के लिए आ जाओ, देख लो लद्दाख, इंजॉय कर लो। थैंक यू। और इनका यहाँ मैं रात को काफ़ी घूमा था, मार्केट वगैरह बहुत शांत एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है। बाकी आपको यहाँ घूमने में, फिरने में, खाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जब भी आएँ, आप भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डाल दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और बेफिक्र होके आइए। थैंक यू।